नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में जो व्रत का नवरात्रि व्रत है उसका पारण किस दिन करना चाहिए, नौमी को या दसवीं को, साथ ही कलश के नीचे जो चावल रखे हैं उनका क्या करें, नारियल को क्या करें, और जब कलश उठाते हैं तो ऐसे ही उठा लेना है कि किन्हीं मंत्रों का जप करके उठाना है, किस तरह से करना है, किन मंत्रों का जप करना है, कलश के जल को कहाँ कहाँ छिड़के, विधिवत हर चीज़ की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले व्रत का पारण कब करें, तो शारदीय नवरात्रि व्रत का पारण जो है वो 24 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:27 के बाद किया जाएगा, दसवीं वाले दिन। नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा से नौमी तक करना ही सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए व्रत को पूर्ण नौमी तक करना चाहिए और दशमी को व्रत खोलना चाहिए। बहुत से लोग नौमी को ही कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण कर देते हैं, लेकिन हो सके तो नौमी को भी आपको पूरा व्रत रखना चाहिए और पारण दशमी को ही करना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। पारण विधि क्या है, कैसे, तो नवरात्रि व्रत के पारण से पहले, जैसे आप दशमी को कर रहे हैं तो उससे पहले जो है नौमी को माता रानी की विधि विधान से पूजा करें, इसके बाद हवन करें। भले ही हवन आप छोटी सी हवन करते हैं, अग्यारी जैसा घर में खुद से कर सकते हैं आप वो हवन। फिर आपको कन्या पूजन करें और कन्याओं को हलवा पूरी और चने का भोजन करवाना चाहिए, इसके बाद उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, फिर खुद भी हलवा पूरी खाकर अपना व्रत खोल लेना चाहिए। अब अगले दिन अगर खोल रहे हैं तो आप दूसरा हलवा पूरी भी बनाकर रख सकते हैं, उस दिन खोल सकते हैं व्रत, नहीं तो माता का प्रसाद कोई होता है, फल है, मेवे हैं, जो भी आपने चढ़ाया उससे भी, लेकिन प्रसाद खाकर ही व्रत को खोलना चाहिए अगले दिन। अब कलश के नीचे रखे चावलों का क्या करें, जो नीचे रखे रहते हैं, तो जब हम माता का कलश रखते हैं तो उसके नीचे चावल रखना ज़रूरी माना जाता है। पूजन के बाद इस चावल के कुछ दाने को पूरे घर में छिड़क देना चाहिए, दरअसल ये चावल आपकी समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं और घर की आर्थिक स्थिति को ठीक रखते हैं। घर के हर एक कोने में चावल छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है और खुशहाली बनी रहती है। चावल के कुछ दाने अपने पर्स में रखें और कुछ को अनाज के साथ मिला लें, इससे भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। बचे हुए चावल को माता दुर्गा की मूर्ति और जो बाकी फूल माला होती है उनके साथ ही आपको विसर्जित कर देना चाहिए। कलश में रखे नारियल का क्या करें, तो कलश पर हम जिस नारियल की स्थापना करते हैं उसे अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन के दिन प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए और इसका प्रसाद पूरे घर के सदस्यों में वितरित कर दें। कलश में रखे हुए नारियल और चावल का विशेष महत्व होता है, इसलिए पूजन के बाद इसका इस्तेमाल, यहाँ जो बताए नियम आपको बताए अभी मैंने, उसके अनुसार ही करना चाहिए। चावल और नारियल का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अष्टमी और नवमी के व्रत संपन्न होने के बाद हवन और फिर कन्या को भोजन जरूर करवाएं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को भेंट दें। कन्याओं में से किसी एक कन्या को भगवती के नौ अवतार का एकीकृत स्वरूप मानते हुए उनका विशिष्ट पूजन करें। कन्या पूजन के बाद देवी भगवती का सपरिवार ध्यान करें, क्षमा याचना करें कि हे देवी, हम मंत्र पूजा विधान कुछ नहीं जानते हैं, अपनी सामर्थ्य अनुसार और अल्प ज्ञान से हमने आपके व्रत रखे और आपका पूजन किया, हे देवी हमको हमारे परिवार कुल को अपना आशीर्वाद प्रदान करो, इस घर में सदैव विराजमान रहो, हमारे घर सुख समृद्धि विद्या बुद्धि विवेक धन यश प्रदान करो। इसके लिए देवी सूक्तम का पाठ करते हुए आपको जो भी मंत्र बताने वाले हैं इसका पाठ करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस मंत्र का लगातार 11 बार जाप करें। इसके बाद कलश विसर्जन के लिए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ये नाम लेते हुए आपको कलश उठाना है, मतलब इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, तो वो मंत्र 11 बार जपना है और इसके बाद कलश के लिए उठाते समय इस मंत्र का जप करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। ध्यान रहे कलश उठाते हुए इस मंत्र का जप करते रहें। नारियल को अपने माथे पर लगाएं और नारियल चुनरी आदि अपनी पत्नी और बहन की गोद में रखिए। इसके बाद कलश लेकर आम के पत्तों से कलश के जल को अपने घर के चारों कोनों पर छिड़क दिए। ध्यान रहे सबसे पहले रसोई घर में छिड़कें, क्योंकि माना जाता है यहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है, माता अन्नपूर्णा का वास होता है। इसके बाद अपने शयन में, स्टडी रूम में, ड्राॅइंग रूम, अंत में घर के प्रवेश द्वार पर जल छिड़किए, लेकिन बाथरूम में जल ना छिड़कें। कलश के जल को तुलसी के गमले में अर्पण कर दें और जो सिक्का कलश में डाला है उसको आप अपनी तिजोरी में रख लें और उसको कभी भी खर्च ना करें, मतलब उसको संभाल के रखने की कोशिश करनी चाहिए सिक्के को।
कलश और अखंड ज्योत के दीपक पर बंधे कलावे को अपने हाथ या बाजू पर बांध सकते हैं और गले में पहन सकते हैं। यह देवी का सिद्ध रक्षा कवच कहलाता है, जो हर मुसीबत से रक्षा करता है। रक्षा सूत्र बांधते हुए जो भी देवी मंत्र याद हो उसका उच्चारण करते रहें। यह सूत्र घर के सब सदस्य पहन सकते हैं। इस तरह नवरात्रि व्रत का पारण संपन्न होता है। अष्टमी और नवमी व्रत से पारण करने वाले इस विधि से कलश विसर्जन करेंगे तो उनको लाभ प्राप्त होता है। बता दें आपको कि अष्टमी और नवमी तिथि को व्रत पारण करने वाले अखंड ज्योत को विजयादशमी के दिन पूजन तक मतलब प्रज्वलित रखना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजयादशमी को भगवान राम ने अपराजिता देवी का पूजन किया था। तो दोस्तों ये है कलश विसर्जन। जिस दिन आप करेंगे नवरात्रि की चौकी उठाएंगे उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण नियम, पारण के सभी महत्वपूर्ण नियम, कैसे करना है, क्या बोल के करना है, कौन से मंत्र उच्चारण करने हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दी हुई है। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर माता रानी की कृपा पूरे साल भर बरसती रहे। सुख समृद्धि का वास हो। जय माता दी।